ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡਾਊਟਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਟਨੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। हेलो एवरीवन, सब तो पहले असी गिवन क्वेश्चन समझांगे। टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ स्टॉप कॉक। ए गेज कंटेन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बी इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, वट इज द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ गैस। इस क्वेश्चन सानू की पूछा है कि जो दो सिलेंडर है दोनों की इक्वल कपैसिटी है, एक जरा एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टैंपरेचर से प्रैशर है, तो बीच कोई हवा वगैरह नहीं पास हुई, एवैक्यूएटेड है, तो इंटीरियर सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, तो जो असं सडनली स्टॉप कॉक को ओपन कर देंगे तो टैंपरेचर कोई चेंज आएगा। आंसर हैगा कि इंटायर जो सिस्टम है, एस द एंटायर सिस्टम वो की हैगा, वो थर्मली इंसुलेटेड हैगा, इज थर्मली इंसुलेटेड। तो जो कोई चीज सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड होएगा तो उत्थे टेम्परेचर की होगा, चेंज ही नहीं होता, एंड फ्री एक्सपेंशन विल बी टेकिंग प्लेस ते गिवन ही है सानू कि थर्मल इंसुलेटर तो फ्री एक्सपेंशन होएगा, दैन जिहड़ा की है टेंपरेचर हैगा गैस का, दैन द टेंपरेचर ऑफ गैस वो की रहेगा, रिमेन सेम, उस सेम रहेगा, उस कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड हैगा। थैंक यू।